किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको तीन तरीके पता होने चाहिए। ये तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई कैसा सोच रहा है। तो आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं, जो आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई थे। बड़े भाई को अंधा था, इसीलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटे भाई खेती करता था। हालांकि खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी कृषि बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता, ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके। क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था, वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी कृषि बच सकती थी। इस सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें रखा। उसने उससे कहा, भाई अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहां से भाग जाएंगे, इससे हमारी फसलें बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डरा कर भगा देता। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़ रहा था और खेत को तोड़कर भाग गया। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण की पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहां एक हिरण देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं कैसे हिरण देख सकता हूं, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मेरी खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपकी पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा उस अंधे के शब्दों से चौंका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधा हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहां से भाग गया है मेरे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। फिर अंधा भाई ने कहा, ओ राजा, वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है, वह एक मादा हिरण है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती मादा हिरण की शिकार करता है, इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि वह तुम्हारे पीछे पड़ने के लायक नहीं है। तुम्हें उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। उसने सोचा कि कैसे एक अंधा यह जान सकता है, मैं जिस हिरण की शिकार कर रहा हूं वह क्या गर्भवती है या नहीं। इस अद्भुत अंधे का इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है, इसलिए मुझे इसे जांच करना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने कमांडर से कहा, कमांडर मुझे चाहिए कि वह प्राणी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। यह अंधा आदमी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और जांचो कि क्या वह एक गर्भवती मादा हिरण है। राजा के आदेश पर कमांडरों ने हिरण को पा करने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, राजा यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है, वह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। इस सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं, क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा, देखो एक ओर तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर की मैं पीछा कर रहा था। तुम कहते हो कि वह गर्भवती मादा हिरण है और साथ में तुम्हें यह भी पता लगाता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं। तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तब अंधा आदमी ने समझाया, सर जब आप उस मादा हिरण की पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह हिरण है और मेरी खेत की बांध काफी छोटी थी, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी।
अगर यह सामान्य हिरण होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह हिरण ने उस बांध को तोड़कर भाग लिया था, और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। इस व्याख्या को सुनकर राजा अंधे के विशेष ज्ञान और कौशल को देखकर चौंके हुए हैं। वह समझता है कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद अनोखी जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछता है। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, ओ राजा, ऐसा सवाल कैसा है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से सजा दूंगा। राजा की धमकी सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। ओ राजा, अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ देना होगा। ये सुनते ही राजा पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है। कमांडर उस पर क्रियान्वयन करता है और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधा अपनी बात कहते हैं, मुझे तुम्हें छूना है। ये सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भरी हो जाती है और अंधे को पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से। वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा लेता है और राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा, ओ राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। इस सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने उससे गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठा बोला तो मैं तुम्हारा सर तुरंत अलग कर दूंगा। फिर उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, ओ राजा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। इस सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा उत्तर देता है, ओ राजा, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और वह इतनी रोष में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझसे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, ओ राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कौन हो, आप इस राज्य के राजा हो तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, ओ राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि तुम किसके बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हां, मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर अंधा आदमी जवाब देता है, ओ राजा, मैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम मेरे स्वामी, राजा और परमेश्वर के पुत्र हो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर अंधा राजा से कहता है, तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी मां के पास जा जाता है। उससे कहता है,
मां कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का बच्चा हूं या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहां ही अपनी जान दे दूंगा, मुझे सच बताओ क्या है। राजा की मां कहती है, पुत्र तुम सचमुच अपने पिता का बच्चा है, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया देखी। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधे के पास लौटता है। उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है, ओ राजा, आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर आप कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस हैं। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगोगे मैं जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तुम कैसे जान लेते हो क्या सही है और क्या गलत, और तुम इतने सटीक और निष्कलंक उत्तर कैसे दे सकते हो? अंधा आदमी कहता है, ओ राजा, मैं प्राकृतिक रूप से अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से समझ सकता। मन का अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों, होंठों, काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी की विचारों को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो मैं अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है, देखना होगा कि वह कैसे काम करता है, और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल, आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा, और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, और ये 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान है। लेकिन राजा, इससे पहले आपको एक चीज करनी होगी, अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करें। हम जब अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करते हैं तब हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है, और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिपटे हुए हैं। तो किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को संकेंद्रित करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद ये व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैं जरूर 3 तरीकों को बताऊंगा जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें बोलती नहीं लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों में के संकेतों को समझना सीख जाते हैं तो हम जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहे हैं और वह क्या करने वाले हैं। मेरी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थीं और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी निगाह वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हों, तो यह मतलब है कि वे बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन अगर उनकी आंखें बिना हिले आपको देख रही हैं, तो वह शायद ईमानदार हो सकते हैं और उन्हें आपसे बात करना और अपने विचार साझा करना है। इसके अलावा देखें कि उनकी भौंह कैसे हिल रही है। अगर वह दूसरी ओर देखते हुए उनकी भौंह नीचे जाती है तो वह शायद कुछ सोच रहे हैं या किसी अन्य चीज के बारे में चिंतित है। अगर उनकी भौंह ऊपर जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वह आश्चर्यित या जिज्ञासु हो सकते हैं जिन्हें आपके विचारों के बारे में, यहां तक कि देखें कि उनकी पूंजी इतनी बड़ी या छोटी है।
पुंजी आंख का काला हिस्सा होती है। अगर पुंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि अगर पूंजी बड़ी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद करते हैं या आपके कहे को पसंद कर रहे हैं, वह उत्साहित या खुश है। अगर पूंजी छोटी होती है तो यह मतलब है कि वह आपको पसंद नहीं करते हैं या आपके कहे को पसंद नहीं कर रहे हैं, वह असहज या गुस्से में है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है। अगर स्क्लेरा लाल होती है तो यह मतलब है कि वह थके हुए, तंत्रित या बीमार हो सकते हैं। वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। मैं एक समय याद करता हूं जब मैंने एक थके हुए व्यक्ति से मिला था जो यात्रा कर रहे थे। हम जब बात कर रहे थे तो उसकी आंखें बहुत घूमती रहती थी, मुझे कभी देखती नहीं। इससे दिखाई देता था कि उसको चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता था। मुझे लगा कि वह कुछ छुपा रहा हो सकता है। वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे और सवाल पूछे। मैंने पता लगाया कि उसका एक गुप्त योजना था। इसी तरह अन्य भी चेहरे की भावनाओं की अन्य व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखाता है। यदि आप किसी के चेहरे के अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत दुखी है या बहुत खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, और ये सब बातें उनके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती हैं। ओ राजा, चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वे कुछ नहीं कहते हैं तो यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको इन नीरव संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनका मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और छोटे से दुखी चेहरा बनता है, तो आमतौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। वह निचले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान होती है जो आंखों और गालों को उठाती है, वह खुशी, मित्रता और दयालुता की संकेत है। इसमें आंखों का बड़ा महत्व है। जब वे छोटी और चमकीली होती है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। देखें किसी व्यक्ति की भ्रूणी की जगह जहां त्वचा गहरी होती है और ढीली होती है, जब यह गहरी और तंग होती है तो यह अक्सर मतलब होता है कि वे उलझे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रुख का तरीका मुंह हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है या बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे की इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहें या चुप रहे, उनके चेहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलता हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार मैंने एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उनकी माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी, जिससे पता चला कि उनकी परेशानी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताएं, और उन्होंने बता दी। इसके बाद उनको अच्छा लगा और मैंने उनकी मदद की। एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश बनाती है। ये मतलब है कि वे खुश और दयालु हैं। एक उदासी मुंह की भौहें नीचे जाती हैं, इसका मतलब है कि वह चिंतित या उलझे हुए हैं। भौहें ऊपर जाती हैं जब वे हैरान या जिज्ञासु विचार रहे होते हैं, तो आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा से तीसरी मेथड के बारे में बताते हैं, कहते हुए, ओ राजा, एक और भाषा भी है जो है, वह है हाथों की इशारों और शरीर की भाषा की। किसी के विचारों को समझने के लिए हमें हाथों की इशारों और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा उनकी शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है, वह क्या सोच रहा है यह स्पष्ट करने में। ओ राजा, शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं। यह शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं।
वे छोटी छोटी चीजों से जो वे करते हैं। किसी को ध्यान से देखें जब वह आपसे बात करते समय अपने उंगलियां तेजी से टैप करता है। जब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती हैं, तो यह मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहे हैं, जल्दी में है या बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक वक्त स्मरण करता हूं जब मैंने एक व्यक्ति से मिला जो मुझसे कुछ बेचना चाहता था और वह यही इशारा करता था। मुझे पता चल गया था कि वह घबराया हुआ था, तो मैंने उससे बेहतर कीमत पर खरीदने को कहा और उसका हैराना हो गया। कभी कभी किसी को अपनी बाहुएं आपस में जोड़ते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से संतुष्ट नहीं है। वह अपने विचारों को आपसे छुपा रहे हैं। इस तरह से अपनी बाहुएं जोड़ने का तरीका उनके विचारों और भावनाओं को दूसरों से सुरक्षित रखने की तरह है। इस चिन्ह को देखकर आप जब उनसे बात करें तो दयालु और सतर्क रह सकते हैं, ताकि वह आपसे अधिक संतुष्ट और खुले मन से मिल सके। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपस में झुकते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से रुचाना रखते हैं। वह आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जिससे वह आपसे रुचाना रखते हैं और जानना चाहते हैं। इस तरह से अपने शरीर को हिलाने का यह तरीका दिखाता है कि वह आपकी बातों को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। मैंने एक बुद्धिमान शिक्षक से मिला था जो ऐसा करते थे। वह बहुत शांत थे, लेकिन वह दिलचस्पी से आगे झुकते रहते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें उस विषय के बारे में और जानना था। कभी कभी लोग जब आपसे बात करते समय अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वह किस बारे में सोच रहे हैं। यह अक्सर मतलब रखता है कि वे चिंतित हैं या सोचते हैं। यह सब छूने का तरीका दिखाते हैं कि उनके मन और दिल में क्या हो रहा है। दूसरों की शरीर और हाथों से सही से समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सावधानी से देखना पड़ता है और उन बातों को सराहना करनी पड़ती है जो वे नहीं कहते। ये छोटी पर महत्वपूर्ण संकेत जैसे कि एक शांत पुस्तक आपको उन भावनाओं और विचारों को दिखाते हैं जो उनमें छुपे हुए हैं और आपको उनसे बेहतर जुड़ने में मदद करते हैं। अगर हम इन तीन तरीकों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही से समझते हैं, तो हम तेजी से पता लगा सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहे हैं और उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा, तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य के योजनाओं में प्रवृत्त हैं, तो आप कभी भी व्यक्ति की शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपने उनसे क्या सीखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन संकेतित शांतिपूर्ण है, इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने अब तक कहानी का आनंद लिया है और इससे कुछ नया सीखा है। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इस चैनल की सदस्यता लें। इससे मुझे उत्साहित किया जाएगा कि मैं आपके लिए और भी रोचक और जानकारीपूर्ण कहानियां बनाऊं। देखने के लिए धन्यवाद और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहें।